सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अगले महीने 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसे लेकर पहले ही चर्चा तेज थी कि रंजन गोगोई के बाद अब किसे मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ की कमान। इन सवालों के बीच अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, तो रंजन गोगोई ने किसके नाम पर लगाई है मोहर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में ये परंपरा रही है कि रिटायर होने से पहले सीजेआई अपने उत्तराधिकारी का नाम सरकार को भेजते हैं। इसी परंपरा का पालन करते हुए अब भारत के 46वें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। उन्होंने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर जस्टिस बोबड़े को अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। वरिष्ठता क्रम में जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस के बाद सबसे वरिष्ठ जज हैं, और साथ ही वो महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई और महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के चांसलर भी हैं। इससे पहले वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। साल 1956 में जन्मे ऐसे बोबड़े ने BA LLB की डिग्री नागपुर से हासिल की है। 1978 में वो बार काउंसिल के सदस्य बने और बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस करने लगे। साल 2010 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज बना गया। साल 2012 में वो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। साल 2013 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और अब सीजेआई ने उनके नाम को आगे बढ़ा दिया है। अगर केंद्र सरकार जस्टिस बोबड़े के नाम पर मोहर लगाती है तो उनका चीफ जस्टिस बनना तय है, जो 18 नवंबर को बतौर चीफ जस्टिस शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि सीजेआई रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।